नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में आप पंचनामा देख रहे हैं और पंचनामा में जो यहाँ के जो एक्सक्लूसिव हैं हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा, वो हमारे साथ हैं। खबरों की यहाँ चीरफाड़ होती है और चीरफाड़ हो करके खबर के तह तक पहुँचते हैं। क्या कुछ बातें हैं या क्या कुछ बातें जो है वहाँ से संभावित है, वो भी बातें हम आपको बताते हैं। हमने पिछले पंचनामा के दौरान आपको पिछले कई दिनों का जो है एक बार आप यादों का जो पन्ना है उसे पलटा करके देखिए। हमने बताया किस तरह से नीतीश कुमार जो है लपेटे में आ रहे हैं और ला कौन रही है, भाजपा ला रही है। विपक्ष जो अपना काम जो है, जो संवैधानिक अधिकार है उसके अनुसार अपना सारा काम कर रही है, विपक्ष कर रही है। लेकिन इस बार गठबंधन की बात हमारे संपादक नमन मिश्रा लगातार कहते हैं कि बिहार में गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। गठबंधन है लेकिन गठबंधन धर्म नहीं है कोई। सभी उस गठबंधन धर्म के लाइन को पार करके अपने अपने तरीके से, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब देखिए ना किस तरह से हमने आपको बताया बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ क्या कुछ साजिशें चल रही थी, नीतीश कुमार कहाँ कहाँ लपेटे में आ रहे थे। कल हमने आपको ये भी बात बताया कि भाजपा कुछ भी कह रही है, नीतीश कुमार उसके लिए किस तरह से दोषी हो जा रहे हैं या फिर बनाए जा रहे हैं। अब देखिए, अब क्या है कि अभी जो खबर आई है स्ट्रेचर पर, जिसको लेकर के संपादक नमन मिश्रा अपना सर्जिकल जो ब्लेड है वो लेकर के तैयार है, यहाँ चीरफाड़ होनी है। खबर ये है कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ जो है प्लान बन गया है जी, और नीतीश कुमार की विदाई भी जो है अब तय हो गई। अब सोच रहे होंगे कैसे विदाई होगी, अभी तो अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, बिहार में नया नया मुख्यमंत्री बने हैं, फिर से कैसे विदाई हो जाएगी। चलिए अब हमारे संपादक नमन मिश्रा और डॉक्टर जो है आपके वही बताएंगे कैसे होगी सर विदाई। देखिए, कल पंचनामा के दौरान मैंने कुछ बातें समझाई थी जी। समझाते समझाते मैं खुद एक बात को लेकर शायद स्पष्ट नहीं था जी, तो मैं रुक गया था और मैंने बात को थोड़ी बदली थी जी। रिसर्च बहुत किया था उसके बाद मैंने जी, कि आखिर कैसे इतनी बड़ी बात मुझसे मिस हो गई जी। अब मैं आज आपको बताने की स्थिति में हूँ और मुझे लगता है शायद मैं अकेला पत्रकार हूँ बिहार का जो ये बात समझा पाऊंगा अभी इस वक्त जी। नीतीश कुमार के पास दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जी। एक, उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी है जो कि भाजपा उन्होंने गिफ्ट में दी है जी, बिल्कुल। लेकिन एक चीज उन्होंने प्लस वन में रख लिया है जी, वो है गृह विभाग जी। और गृह विभाग जो है वो प्रशासनिक अमले पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी उसकी है जी, और कुछ भी अगर बिहार में गलत हो रहा है तो उसके लिए गृह विभाग ही जिम्मेवार है, यानी नीतीश कुमार जिम्मेवार है जी, बिल्कुल। खबर ये है कि बिहार में जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्राइम के डेटा और उस पर रिएक्ट कर रहे हैं भाजपा के लोग जी, आपको पता है ये क्यों कर रहे हैं जी? ये नीतीश कुमार के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है भाजपा की जी, कैसे? और पूरे मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। जो गृह विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है वो चाहती नहीं है भाजपा की वो अपने पास रखे जी, भाजपा चाहती है कि गृह विभाग का जो जिम्मेवारी है वो भाजपा को मिले जी, और दोनों जो उनके उप मुख्यमंत्री उनमें से किसी एक को जिम्मेवारी दी जाए ताकि बिहार, भाजपा को लगता है कि बिहार में जैसे योगी आदित्यनाथ ने कल, अब देखा कि भारत बंद के दौरान भी उन्होंने कैसे यूपी का जो प्रशासन है वो कितना कड़ा हो गया, फिल्मी हो गया एक तरह से मैं कहूंगा जी, बिल्कुल। हर बात पर रिएक्ट कर रही है पुलिस, यहाँ तक कि दौड़ा दौड़ा के नेताओं को भी पीट रही है, सब कुछ वायरल हो रहा है। सिंघम सिंघम रिटर्न हो गया, विकास दुबे को पलट दिया गया, यूपी में मार दिया गया। तो मतलब कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है उसी हिसाब से बिहार के प्रशासनिक अमले को भी चलाएं, लेकिन गृह विभाग तो नीतीश कुमार के पास है, तो इलाज क्या है? इलाज ये है कि अगर कुछ भी नुक्ताचीनी करनी हो तो नीतीश जी के खिलाफ कर ही दिया जाए। देख लीजिए, संजय जायसवाल जो कि महत्वपूर्ण इकाई है, वो व्यक्ति जो कि बिहार में गठबंधन बनना, सरकार बनना, इसके लिए महत्वपूर्ण एक जिसकी जिम्मेवारी थी, वही कह देता है कि नहीं चोरियां बहुत हो रही हैं, ग्रामीणों से मैं मिल रहा हूं, ये बहुत बुरा। अरे किसका विरोध कर रहे हैं आप, किसको सुना रहे हैं जी? आपकी सरकार है ना, कीजिए ना, लीजिए एक्शंस। लेकिन वो एक्शंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग प्रशासनिक अधिकारियों का उन्हीं के माध्यम से होगा जी, बिल्कुल। सोचिए, मतलब जो खेल नीतीश कुमार पहले खेलते थे वो चाहे तो अब भी खेल सकते हैं, ये बात अलग है कि उसमें इंटरफेयर करने के लिए भाजपा भी अब हाजिर है जी। तो ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में नीतीश कुमार के साथ भाजपा कुछ प्लानिंग तो कर चुकी है जी, बिल्कुल। बंगाल चुनाव तक वेट एंड वॉच की जो मैं बार बार स्थिति बोल रहा हूँ वो है, लेकिन तब तक इंतजार भी नहीं कर सकती है भाजपा जी। नीतीश कुमार अगर अपनी शक्ति बढ़ा ले या रातों रात कोई ऐसी परिस्थिति बना ले कि सरकार वो वैकल्पिक तरीके से बना ले या मौजूदा सरकार को गिरा ले जी, या उनकी इच्छा ही खत्म हो जाए कि अब मैं सत्ता में नहीं रहूंगा, ये भी भाजपा के लिए अभी फिलहाल घातक है क्योंकि तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था भाजपा को भी करनी पड़ेगी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को यहाँ से फजीहत ही लिखा हुआ है
जी भाजपा के जितने मंत्री हैं, चाहे अब देखे ना, अभी तो असली लोगों ने बोलना ही शुरू नहीं किया है। गिरिराज सिंह कहाँ कुछ बोले हैं अभी जी? अभी तक टुन्ना पांडे कहाँ कुछ बोले हैं? अभी तक सीपी ठाकुर कहाँ कुछ बोले हैं? थोड़ा बहुत अश्विनी चौबे बोलना शुरू कर दिए हैं, और इसी क्रम में देखिएगा कि प्रेम कुमार अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि उनको मंत्रालय तक नहीं मिला है जी। तो ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ेंगी परिस्थितियां। मैंने आपको दो तीन चीजें पॉइंटर्स बताए थे जी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटर्स समझ लेना जरूरी है। नीतीश कुमार के स्टार्ट करते हैं वहां से, मोदी 2019 के चुनाव के बाद मोदी जी का मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल में क्या कमी रह गई? नीतीश कुमार के कोई व्यक्ति वहां नहीं थे, यहाँ तक कि लोजपा के व्यक्ति वहां मौजूद थे जी। इसी आधार में मैंने कहा था कि लोजपा छोटी बड़ी पार्टी है नीतीश। और फिर आप देखिए नीतीश जी वहां से गुस्सा में आते हैं और यहाँ पे मंत्रिमंडल का अपने विस्तार करते हैं, क्या कमी रहती है उसमें भाजपा की, लोजपा की भी जी। इन दोनों को अपने साथ नहीं लेते हैं। तो आप सोचिए, जब एक्शन रिएक्शन ऐसा हुआ करता था और आज एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि एक ही बार बाढ़ आएगी जी। एक एक करके बूंद बूंद नहीं आएगा, एक ही बार आएगा तो सुनामी जैसा आएगा। आएगा तो क्या होगा, सरकार की परिस्थितियां बदल सकती हैं जी बिल्कुल। लेकिन भाजपा कोई भी मौका नीतीश कुमार को बेइज्जत करने का या उनको कॉर्नर करने का छोड़ नहीं रही है जी। ये ब्रेड क्रम्स है जो मैं कल कर रहा था, और इसी आधार पे हमें पता चलता है कि सरकार किस तरफ जा रही है, लोग जो बयान दे रहे हैं उनका असली मतलब क्या है जी। अब जीवेश मिश्रा चिराग पासवान को लेकर देखिए अड़ गए थे, अब भाजपा अड़ी हुई है जी। ऐसा नहीं कि भाजपा चिराग पासवान के मुद्दे को इतने से छोड़ देगी। अब देखिए ना, कल ही केसी त्यागी ने, शायद आप पहले शख्स जिनको मैंने कहा था किसान आंदोलन पर जदयू का स्टैंड वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है जी बिल्कुल। और देखिए कल स्पष्ट हो गया, किसी त्यागी ने कह दिया कि सरकार हाफ बेक्ड लेके आ गई है, अध पकासा बहुत हड़बड़ी में लेके आ गई है बिल, जो कि बिल सही नहीं लग रहा है जी। उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बिल का अगर विरोध हो रहा है तो कोई गलत नहीं है, मतलब होना चाहिए लोकतंत्र में विरोध जी। मतलब नीतीश जी का विरोध भाजपा करेगी, भाजपा के विरोध नीतीश जी के लोग करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? एक दूसरे में ही पक्ष ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा सर? या तो विरोध करना है, अगर मन बना लिया आपने कि विरोध करना है तो विपक्ष में आकर बैठ जाइए। वैसे भी तेजस्वी जी तो छुट्टी पर हैं जी। मैं लोग बड़ा बुरा लगता है जब मैं कहता हूँ कि तेजस्वी यादव विपक्ष के लायक भी नहीं है, कभी कभी लगता है जी। आज मौजूदा स्थिति में किसान आंदोलन के दौरान तेजस्वी यादव का पटना की सड़कों पर नहीं उतरना अखड़ता है जी। राजनीतिक रोटियां तो सेकने के लिए लोग उतर गए जी बिल्कुल। पार्टी ने निकाल दिया लेटर की बिना झंडा बैनर कहिएगा, झंडा बैनर लेके कार्यकर्ता पहुंच गए जी। ये क्या साबित करता है? तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है। और जब सेनापति ही सामने नहीं होगा और सामने सेनापति उतरेगा नहीं मैदान में युद्ध के, तो कैसे हो पाएगा जी? सभी की जो ताकत है वो कम रहती है। आपको एक बात मैं और बता दूं कि मौजूदा स्थिति में हम बात जरूर राजद की कर रहे हैं या कांग्रेस की कर रहे हैं या किसी, लेकिन भाजपा और जदयू के बीच तलवारें यहाँ से खिंचती ही जाएंगी जी बिल्कुल। अभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट कानून है जो कि लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, मोदी जी के जहन में है जी। उनके जो सिपहसालार हैं उनके जहन में है, गृह विभाग अगर नीतीश जी के पास यहाँ है तो वहाँ किसके पास है? अमित शाह के पास। और ये जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा ये होगा, ये दिखेगा जी बिल्कुल। अभी फिलहाल परिस्थितियाँ ये है कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा बहुत रिलैक्स्ड भी है, उन्हें पता है कि अभी फिलहाल एक दो महीने तक नीतीश कुमार बहुत उछलेंगे नहीं जी, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है। और ऐसे में जैसे जैसे बंगाल चुनाव की नज़दीकियां बढ़ेंगी, उन मुद्दों पर जिन पर जैसे राम मंदिर का ही मुद्दा है, भाजपा तो पूरा भुनाना चाहेगी जी बिल्कुल। अब यहां से बंगाल चुनाव को लेकर भी देखिएगा, आपकी ट्वीट जो है होगा वो पोलराइजिंग ट्वीट्स होंगे, लोग बयान देंगे पोलराइजिंग जैसे, और नीतीश जी को इसमें इन्वॉल्व भी किया जाएगा जी। तब हर बार तो नीतीश कुमार के लिए तेज किसी त्यागी ना बोलेंगे जी, कभी नीतीश जी को तो खुद बोलना पड़ेगा, प्रवक्ता तो इनके बोलते नहीं है, नहीं उनको तो चुप करा दिया गया, एकदम मुंह में मार दिया गया, तालाब बंद करके बैठ जाइए, आप नहीं बोल सकते। वैसे भी मुझे लगता है अब लोगों को लगेगा कि मैं फिर बिना मतलब के किसी को रख रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं, मतलब जो है सच्चाई मैं वही बयां कर रहा हूँ। अभिषेक झा एक है बहुत पढ़े लिखे हैं, बाइलिंगुअल है, नए हैं जदयू में, रालोसपा से आए हैं, तो बहुत ज़्यादा तो हड़बड़ी में वो बोलेंगे नहीं जी, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो उचित हैं, वो बोल लेते हैं जी। अन्यथा मुझे किसी पर बहुत भरोसा नहीं है जी। बाकी अगर बात करें तो एक अच्छे वक्ता हैं इस पार्टी में जो कि नीरज कुमार के तौर पर हैं जी, बोलते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी भी जिस तरह से उनको संटिंग में डाल दिया गया है, मंत्री बनाया गया था फिर उनको संटिंग में डाल दिया गया, तो ये भी एक परिस्थिति है, बेचारे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी। हालांकि वो अपने पुराने लय में चले गए हैं,
चुपचाप एक एक ही रहे था उनका कि तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार ट्वीट करते रहना, लगातार उजागर करते रहना। क्या फायदा है इस तेजस्वी यादव के खिलाफ आंदोलन करने का जो तेजस्वी यादव खुद ही मौजूद नहीं रहते हैं। जी तो वही बात है कि मतलब बड़ी पार्टी जरूर है बिहार में सबसे राजद, लेकिन आज सत्ता में क्यों नहीं है, इसी रिलक्टेंसी की वजह से बुरा तो लगेगा उन लोगों को जो राजद के समर्थक हैं, लेकिन लगना भी चाहिए मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, आप आए हैं यहाँ जानने के लिए कि जदयू और भाजपा के बीच में क्या चल रहा है, क्या सरकार टूट जाएगी, क्या तेजस्वी यादव को फिर से मौका मिलेगा। तो फिलहाल आपको एक बात मैं स्पष्ट तौर पर बता सकता हूँ, मौजूदा परिस्थितियों में जदयू और भाजपा के बीच रिश्ते टूटने के 100% संभावनाएं हैं। जी दोनों तरफ असहजता पूरी बढ़ी हुई है। जी विधायक नीतीश कुमार जी के और उनके कोटे के मंत्री हैं, उनको इतना घुटन महसूस हो रहा है कि वो अपने विभाग में नहीं जा रहे हैं, जी जिन जगहों पर जाना चाहिए, जिन कार्यक्रमों में जाना चाहिए नहीं जा रहे हैं। जी और सरकार लगातार, मैं कल भी हमने आपको दिखाया है कि छुट्टी पर है, तो ऐसे में कितने दिन चलेगा। जी वो नीतीश कुमार जो हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, वो नहीं अगर बैठ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो इसे क्या समझिएगा, इसे संवादहीनता है। ये वही परिस्थिति है जिसमें बिहार में महागठबंधन टूटी थी, याद कीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए। बिल्कुल पड़ोसी के घर को अगर देखकर अपना घर बचाने का मौका मिल सकता है तो सीखिए उससे। जी लेकिन खैर चलिए, हम तो बस खबरें बता सकते हैं, बाकी तो डिसीजन इन्हें लेना है। एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी को यहाँ से बहुत बेइज्जत होना है, और इतनी बेइज्जती सहने के लिए भगवान उनको हिम्मत दे। जी तो कहीं ना कहीं आज हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा ने बहुत बड़ी बात जो है, सारी बड़ी बातें जो है बिहार की राजनीति के संदर्भ में जितनी भी जो तमाम बातें हैं वो सामने ला करके रख दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए जो है स्थिति और भी असहज होने वाली है, और भाजपा जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे एक बड़ी तैयारी है, एक बड़ी रणनीति है। बंगाल चुनाव भी सामने है, ऐसे में नीतीश कुमार के लिए राह जो है अभी और मुश्किल होने वाली। कितना बर्दाश्त कर सकते हैं नीतीश कुमार जी, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। चलिए लेकिन आप हमारे दर्शक हैं, आप जो है थोड़ा हौसला अफजाई कीजिए, UPI नंबर नीचे लगा हुआ है, वहाँ आ करके जो है आप सहयोग कर सकते हैं, सहयोग कर भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हमें हौसला दे रहे हैं। फेसबुक पे शेयर चाहिए हमें, और शेयर जो है वो करते रहिए। दोनों नंबर जो है ना नीचे है, शेयर का भी बटन नीचे है और UPI का नंबर भी जो है नीचे है, तो शेयर का बटन दबाइए, फेसबुक पर जो है और लोगों तक पहुंचाइए, विभिन्न ग्रुप्स में पहुंचाइए, ऐसे ही आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। बने रहिए बात लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।